Hello student, today we will discuss about valence bond theory, right? So explain the formation of H2 molecule on the basis of valence bond theory. Valence bond theory मतलब VB theory, right? So VB theory के according हमें H2 molecule के formation के बारे में explain करना है, right? तो in H2 molecule, two hydrogen atoms are present. तो वन हाइड्रोजन को हम बोलेंगे HA और सेकंड को डिनोट करेंगे HB से, राइट? अब न्यूक्लियस ऑफ HA, राइट? न्यूक्लियस ऑफ A हाइड्रोजन, उसको डिनोट करेंगे NA और इलेक्ट्रॉन EN. न्यूक्लियस ऑफ B इलेक्ट्रॉन डिनोटेड बाय NB एंड इलेक्ट्रॉन डिनोटेड बाय EB, राइट? अब क्या होगा? तो कि व्हेन द टू एटम्स आर एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द ईच अदर, राइट, उस टाइम पे, एट दैट टाइम देयर इज अ नो इंटरेक्शन बिटवीन देम, राइट, एंड एट दिस टाइम द एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ बोथ हाइड्रोजन एटम, राइट, एंड इन दिस स्टेज इन अ सच एटम न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन हैज अ अट्रैक्शन, राइट, विद सच अदर एन AEA एंड NBEB. मतलब कि हमें पता है कि NA और EA, राइट, न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन A एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन A, ये दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा. देन NB और EB के बीच में भी क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, राइट. व्हाई? बिकॉज न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, तो वो दोनों में अट्रैक्शन होगा, राइट. उसके अलावा भी, राइट, यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्सेस होंगे, राइट. यहाँ पे टू टाइप्स के फोर्सेस के बारे में बात की हुई है, अट्रैक्शन फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड रिपल्सन फोर्सेस, राइट, मतलब कि रिपल्सिव फोर्सेस. तो एक अट्रैक्शन फोर्सेस के बारे में हमें पता है कि NAEA एंड NBEB के बारे में, राइट, और किसके बीच में अट्रैक्शन होगा? तो के NA एंड EB के बीच में, राइट, बिकॉज ये भी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, राइट. और किसके बीच में अट्रैक्शन होगा? तो के NB और EA के बीच में, बिकॉज ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव, राइट. तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, राइट. अब रिपल्जन फोर्सेस की बात करें, तो रिपल्जन फोर्सेस किसके बीच में होंगे? तो के न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में रिपल्जन होगा और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बीच में भी रिपल्जन होगा, मतलब कि NA और NB के बीच में रिपल्जन होगा बिकॉज दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, और EA और EB के बीच में भी क्या होगा? रिपल्सन, बिकॉज वो भी नेगेटिवली चार्ज है, दोनों में सेम है, राइट. तो यहाँ पे देखो फिगर दी हुई है कि HA और EA के बीच में अट्रैक्शन, HB और EB के बीच में भी अट्रैक्शन, राइट, और EA और HB के ये न्यू अट्रैक्शन फोर्सेस है, राइट. जब दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के नजदीक लाएंगे तब EA और HB और HA और EB के बीच में भी क्या होगा? अट्रैक्शन, और ये क्या है? रिपल्सन होगा, राइट. किसके बीच में? तो कि EA और यहाँ पे EB आएगा, राइट, EA और EB में और HA और HB में, राइट, और रिपल्सन यहाँ पे ऐसे दिख किया हुआ है, मतलब कि एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, राइट. अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या करेंगे? तो कि टू अट्रैक्टिव फोर्सेस ट्राई टू टेक बोथ द एटम नियर टू ईच अदर. व्हाई? रिपल्सन फोर्सेस क्या करेंगे? तो के ट्राई टू पुश ईच अदर, वो एक दूसरे को दूर कर देंगे. इट इज प्रूव फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस इज मोर. अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है कम्पेयर टू रिपल्सिव फोर्सेस, राइट, एंड एज अ रिजल्ट बोथ द एटम गो नियर टू ईच अदर, और इसकी वजह से दोनों एटम एक दूसरे के नजदीक आएंगे बिकॉज अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा है, राइट, एंड देयर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज. तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो उसकी जो एनर्जी है वो क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी स्टार्टिंग में जितनी थी उससे, राइट. H2 फॉर्मेशन, तो बोथ द एटम गो नियर टू ईच अदर टू सच एन एक्सटेंट दैट अट्रैक्टिव फोर्सेस आर बैलेंस्ड बाय रिपल्सन फोर्सेस. अब H2 का फॉर्मेशन कब होगा? कि जब अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस दोनों बैलेंस हो गए, राइट. सेकंड, सिस्टम अटेन मिनिमम एनर्जी, उस टाइम पे मिनिमम एनर्जी होगी, एंड एट दिस स्टेट बोथ हाइड्रोजन एटम कंबाइन विद ईच अदर, राइट, एंड स्टेबल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म, एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 74 पिकोमीटर. दोनों हाइड्रोजन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? 74 पिकोमीटर, राइट. अब उसमें एनर्जी चेंज क्या होगी?
तो कि व्हेन बोथ हाइड्रोजन आर अवे फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से दूर होंगे, उस टाइम पे हम लोगों को एनर्जी क्या लेनी है, तो कि एनर्जी इज टेकन जीरो, राइट, एंड एज टेकन हियर एनर्जी डिक्रीज, जैसे जैसे वो एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो एनर्जी डिक्रीज होगी, एंड एट अ डिफाइनेट डिस्टेंस व्हेन फोर्स आर बैलेंस, जस्ट बैलेंस फोर्स बैलेंस हो जाएंगे, राइट, उस टाइम पे उसकी एनर्जी क्या होगी, 435.8 किलो जूल मोर इनवर्ड, और वो एनर्जी मिनिमम होगी, राइट, स्टार्टिंग जीरो है, जीरो से ये एनर्जी लेस होगी, मतलब कि माइनस में चली जाएगी, राइट, एंड इफ बोथ एटम आर मोर क्लोजर देन एनर्जी इंक्रीज, जब वो एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे इनफ कि जब दोनों में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, फिर से एनर्जी इंक्रीज होगी, और एनर्जी इंक्रीज होगी उसकी वजह से उसके बीच का जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, राइट, मतलब कि स्टार्टिंग में एनर्जी जीरो है, राइट, यहाँ पे जीरो है, राइट, आफ्टर सम टाइम्स दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो एट 435.8 किलो जूल मोल इनवर्स पे वो दोनों एक दूसरे से अटैच होंगे, राइट, मतलब कि मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होगा, उसके बाद धीरे धीरे देखो ये ग्राफ ऊपर चला जाता है, राइट, और एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, राइट, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं कि जो एनर्जी जो बॉन्ड हमें वो एनर्जी किसके लिए चाहिए, क्योंकि ब्रेक बॉन्ड, राइट, बॉन्ड एंथाल्पी बोलते हैं उसे हम लोग, जिससे बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, राइट। नेक्स्ट, एक्सप्लेन वैलेंस बॉन्ड थियरी, तो लुईस अप्रोच कैन नॉट एक्सप्लेन बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड एंथाल्पी एंड बॉन्ड लेंथ, राइट, देन VSEPR कैन नॉट एक्सप्लेन शेप ऑफ मॉलिक्यूल, तो उसके लिए क्या हुआ, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थियरी इज बेस्ड ऑन द क्वांटम मैकेनिक्स, राइट, जिससे हमें शेप ऑफ मॉलिक्यूल पता चल सकता है, राइट, एंड इट वॉज गिवन बाय हिटलर एंड लंडन इन 1927 एंड डेवलप बाय पॉलिंग एंड साल्टर, राइट। वैलेंस बॉन्ड थियरी इज बेस्ड ऑन एटोमिक ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स एंड सुपरपोजिशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ये सब पे वो डिपेंड करती है, राइट, एंड हियर VBT इज अ क्वालिटेटिवली एक्सप्लेन, मतलब कि वैलेंस बॉन्ड थियरी इज क्वालिटेटिवली एक्सप्लेन। एज द बॉन्ड फॉर्म एनर्जी डिक्रीज, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, हम लोगों ने आगे डिस्कस किया, तो उस टाइम पे क्या होगा, एनर्जी डिक्रीज होगी, राइट, उस टाइम पे एट्रैक्टिव फोर्सेज एंड रिपल्सिव फोर्सेज दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे, राइट, मतलब कि दोनों के बीच में बैलेंस होगा, राइट, और जब एट्रैक्टिव फोर्सेज ज्यादा हो जाएंगे उस टाइम पे क्या होगा, मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, राइट, तो उस टाइम पे जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या होगी, मिनिमम एनर्जी होगी, राइट, जो हम लोगों ने एग्जांपल आगे डिस्कस किया, राइट। व्हेन द बॉन्ड फॉर्मेशन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल टेक प्लेस, और जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन कब होगा, क्योंकि जब ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होगा उस टाइम पे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, राइट, एंड एज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मोर, जब ओवरलैपिंग ज्यादा होगा तो जो बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रांग होंगे, राइट। डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज अराइज इन अ मॉलिक्यूल ड्यू टू बॉन्ड फॉर्मेशन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जियोमेट्री ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, राइट, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज एब्सेंस इन मॉलिक्यूल, फॉर एग्जाम्पल इन CH4 टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट इज एब्सेंट, यहाँ पे क्या आएगा कि अकॉर्डिंग द जियोमेट्री ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हमें क्या पता चलेगा, उसकी डायरेक्शन पता चलेगी, राइट, तो CH4 है उसमें उसकी डायरेक्शन क्या, सॉरी डायरेक्शन क्या नहीं, शेप ऑफ मॉलिक्यूल पता चलेगा, राइट, तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या है CH4 का, क्योंकि टेट्राहेड्रल है, राइट। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड कब फॉर्म होगा, क्योंकि जब एक्सिस में ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होगी, राइट, एक्सिस में जब ओवरलैपिंग होगा तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, राइट, लेकिन जब ऐसे परपेंडिकुलर में ऑर्बिटल अरेंज है और जब वो दोनों एक दूसरे से अटैच होंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड होगा, राइट। देन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टेक प्लेस एंड बॉन्ड इज फॉर्म, तो कि एज पर VBT थियरी, मतलब कि VBT एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप, राइट, एंड फॉर्म अ हाइब्रिड ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे
ओवरलैप होगी और हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगी, राइट? एंड वो हाइब्रिड ऑर्बिटल कंबाइन होगी और उसके बाद क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म होगा, राइट? तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, राइट? तो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ओके? व्हाट इज ओवरलैपिंग ऑफ अ एटॉमिक ऑर्बिटल एंड व्हेन द बॉन्ड इज फॉर्म? इन न्यूक्लियर टू एटम्स रिमेन क्लोजर टू ईच अदर, राइट? हमें पता है मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कब होगा, क्योंकि जब दोनों दो एटम एक दूसरे से नजदीक आएंगे, राइट? सो दैट द सिस्टम गेट मिनिमम एनर्जी स्टेट, उस टाइम पे जो सिस्टम है वो मिनिमम एनर्जी पे होगी, राइट? देयर एटॉमिक ऑर्बिटल अंडरगो पार्शियल इंटरप्रिटेशन, राइट? एंड दिस पार्शियल मर्जिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड, जब वो मर्ज होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, राइट? एंड विच रिजल्ट इन द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन के बीच में पेयर फॉर्म हो रही है, राइट? पेयरिंग हो रहा है. एंड द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. ग्रेटर द ओवरलैप द स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड. ओवरलैप जितना ज्यादा होगा बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा, राइट? एंड फॉर्म बॉन्ड टू एटम. The formation of covalent bond between two atoms result by, उसके result में क्या होगा, तो के बाद pairing electron present in the valence shell and have a opposite spin. तो उसकी जो spin है वो spin भी क्या होगी, opposite होनी चाहिए, right? तो ही pairing हो सकता है, मतलब कि maximum pairing हो सकता है, right? Next, explain directional property of bond by Ribby theory. The covalent bond is formed by overlapping of atomic orbitals, right? The molecule of hydrogen is formed due to the overlap of hydrogen. में क्या होता है, only one electron होते हैं और one electron present in a 1s orbital. तो H2 में क्या होगा, overlapping of 1s orbital, right? Of a two hydrogen atom. In case of a polyatomic molecule, मतलब कि more than two atom present होते हैं, like a CH4, NH3, H2O, the geometry of the molecule is also important. उसकी geometry भी important है, right? For example, in CH4, the shape is a tetrahedral and bond angle 109.5 degree. NH3 shape of molecule pyramidal. And to explain directional poor hybridization of एटॉमिक ऑर्बिटल रिक्वायर, राइट? अगर हमें उसके शेप के बारे में पता करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन, राइट? जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ओके? थैंक यू.